Rajnath Singh there, the Union Home Minister, making it very clear that the ex-IB Director, Mr. Dineshwar Sharma, will lead the talks and he will be the point person representing the government. He will have the cabinet status rank. That's the big news coming in from that press conference addressed by Union Home Minister. The centre opening doors to Pak Dalals. The centre not ruling out talks with separatists. When he was asked very specifically by our internal security editor Nikunj Garg whether the government is ready to talk to separatists or not, Rajnath Singh said, IB Director Dineshwar Sharma has the mandate, he will decide. In other words, the government did not rule out talks with separatists. That's the big news coming in, a dramatic announcement made by Union Home Minister Rajnath Singh. Center not ruling out talks with separatists. Internal security ki se related jo samasyaen hain is desh ki, usse wo achhi tarah waqif hain. Aur barabar aisi internal security se related samasyaon ko wo deal karte rahe hain. जम्मू कश्मीर से भी अच्छी तरह वाकिफ है. आईबी में रहते हुए जम्मू कश्मीर के भी काम को उन्होंने देखा है. और श्री दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ करेंगे. और सस्टेंड इंटरेक्शन और डायलॉग के माध्यम से उनकी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को समझेंगे. और इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ वह कश्मीर, जम्मू कश्मीर के यूथ की एस्पिरेशंस को समझने पर भी खास तवज्जह देंगे. और श्री दिनेश्वर शर्मा बातचीत करने के बाद पूरा विवरण भारत सरकार के साथ और जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ भी साझा करेंगे. और मैं यह भी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव श्री दिनेश्वर शर्मा नियुक्त किए जा रहे हैं उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस हासिल होगा. 232 भारती तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इन्वॉल्व करेंगे. बात मैंने जितना कहना था, अब यह जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त हुए हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, यह बात किससे बात करनी, क्या करनी, यह सब सारा फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है. यह पूरा अधिकार दिया गया है तो ये उनके पास आज़ादी रहेगी, ये आजादी उनके पास रहेगी कि पूरी आजादी श्री दिनेश्वर शर्मा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यह हासिल रहेगी.